सुप्रीम कोर्ट ने एक के बाद एक कई धाकड़ फैसले सुनाए। 5 दिन में 3 फैसले और तीनों ही कांग्रेस के मन मुताबिक फैसले नहीं थे। इस वजह से कांग्रेस बुरी तरह से सीजेआई दीपक मिश्रा को लेकर बौखलाई हुई है और मात्र 44 सीट जीतने वाली विपक्षी पार्टी होकर सीजेआई के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाई है। हालांकि आज जो ये कोर्ट और जज कांग्रेस की आंखों में कांटे की तरह चुभ रहे हैं, कुछ महीने पहले जब हाईकोर्ट ने 2G के आरोपियों को बरी कर दिया था तब यही कोर्ट को कांग्रेस पूछ रही थी और फैसले को सत्य की जीत और लोकतंत्र की जीत बता रही थी। तो वहीं अब कांग्रेस के महाभियोग के फैसले को उपराष्ट्रपति से बहुत बड़ा झटका लगा है। अभी मिल रही बड़ी खबर के मुताबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ कांग्रेस के अभियान को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब उपराष्ट्रपति और राज्यसभा में सभापति एम वेंकैया नायडू ने सीजेआई दीपक मिश्रा के खिलाफ उनके महाभियोग प्रस्ताव को रद्द कर दिया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों द्वारा चीफ जस्टिस के खिलाफ दिए महाभियोग के नोटिस में ठोस कारणों की कमी बताते हुए सोमवार को उसे खारिज कर दिया। वैसे कांग्रेस की अपनी पार्टी के ही कई सदस्य कांग्रेस के इस फैसले से खुश नहीं थे, तो वहीं बीजेपी इसे कांग्रेस की बदले की कार्रवाई बता रही है। सबसे पहले खुद मनमोहन सिंह ने कांग्रेस के इस महाभियोग के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। उनके बाद सलमान खुर्शीद और पी चिदम्बरम ने भी कांग्रेस के इस फैसले में दूरी बना ली। सलमान खुर्शीद ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च होता है, उनकी विश्वसनीयता पर हमें संदेह करने का कोई हक नहीं है। ये तो खुद उस सर्वोच्च न्यायालय और मुख्य न्यायाधीश की अवमानना होगी। ये फैसला सरासर गलत है। दरअसल कांग्रेस के महाभियोग लाने और सीजेआई को बदनाम करने की पूरी साजिश थी। इस फैसले को रद्द करने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह बताई गई है वो ये कि महाभियोग का प्रस्ताव वेंकैया नायडू को देते ही कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और सारी बातों को सार्वजनिक कर दिया, जो कि बहुत बड़ा नियमों का उल्लंघन है। वेंकैया नायडू ने विचार करके राज्यसभा के नियम देखने के बाद कांग्रेस और उसके सहयोगियों के महाभियोग प्रस्ताव को खारिज कर दिया। अब राज्यसभा में इन पर वोटिंग नहीं होगी और अब कांग्रेस इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी, जहां पर केस कौन देखेगा ये तय करेंगे खुद मुख्य जज दीपक मिश्रा। इस तरह अब कांग्रेस कहीं की भी नहीं रही, ना घर की और ना ही घाट की। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। आगे ऐसी खास खबर देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।